কতক্ষণ লাগবো দাদা? ও দাদা, यहां पे मैक्सिमम लोगों का फटा हुआ है। अपने को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मजे में समुंदर के बीचों बीच यार। स्टार्ट। आज अगर हम नहीं उठाते तो तुम्हारा क्या होता? Mitsubishi Pajero Sport. Thank you so much. Why big nail? Yeah, this. घर को जाते हो? रंग बिरंगी कपड़े पहन के आज हम वापस से तैयार है किसी और एक नए डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जी हाँ, आज हम निकलने वाले हैं फुकेट से क्रैबी के लिए। क्रैबी एक बहुत ही सुंदर सा जगह। इट्स बेसिकली एन आइलैंड विच इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। बेसिकली अभी भी ये जो समुंदर अपने आसपास में है, दैट इज अंडमान सी। ये जितना भी सब कुछ समुंदर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा आपके अंडमान सी है। भी आप बहुत तरीके से जा सकते हो। आप बैंकॉक से सीधा फ्लाइट लेके भी क्रैबी जा सकते हो, क्योंकि क्रैबी में भी एक एयरपोर्ट है। यहाँ पे फुकेट में भी एयरपोर्ट है। आप फुकेट से भी क्रैबी जा सकते हो थ्रू फ्लाइट। फुकेट से सीधा गाड़ी लेके भी जा सकते हो। 170 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 घंटा लगेगा यहाँ से फुकेट से क्रैबी जाने में, अगर आप टैक्सी लेके जाते हो। आज अपन टैक्सी लेके नहीं जाने वाले, आज हम लोग जाने वाले फुकेट से टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे सब बोट्स हैं। वी गोइंग नाउ लस्सदापिया। वहां से हम लोग लेके जाने वाले एक फेरी या फिर स्पीड बोट या फिर जो भी अपने को सस्ता टिकाऊ ज्यादा अच्छा लगता है वो हम लोग लेके जाने वाले। टुडे इज 5th ऑफ सितंबर और आज 11 दिन हो चुके अपने इस पूरे ट्रैवल सीरीज का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉकी। 10:31 इन द मॉर्निंग। तो फुकेट इज अ सिटी, लेकिन यहाँ पे आपको पहाड़ी रास्ता पे बहुत मिलने वाला है। जस्ट लुक एट दिस फॉर्च्यूनर, लुक एट द मॉड्स मैन, क्रेजी हां। क्या बना दिया फॉर्च्यूनर थाईलैंड में। मॉडिफिकेशंस को लेके जो क्रेज है ना बॉस, अब इसे कहते हैं इनोवेशन। ये है वो जगह जहाँ से हम लोग अभी बोट पकड़ने वाले हैं। आप बोट सा वेटिंग ओवर दे, हम लोग जाने वाले हैं स्पीड बोट से। तो यहाँ से अगर आप स्पीड बोट पकड़ते हो आपको एग्जैक्टली लगेगा 40-45 मिनट्स टू रीच क्रैबी। और अगर आप नॉर्मल क्रूज से जाते हो, लाइक नॉर्मल शिप से अगर जाते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कैपेसिटी रहते हैं 150 से लेके 200 लोगों तक। पे करना पड़ा अराउंड 800 baht पर पर्सन, मतलब 1600 baht पे करना पड़ा, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो दैट इज़ अराउंड 3300 समथिंग। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइक आई लिटरली हैव जीरो क्लू अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड हियर। लाइन लग चुका है यहाँ पे। चलो जा जा, ऐसे घुसाना है एंड ऐसे निकलना है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। जिस क्रूज के बारे में मैं बात कर रहा था वो रहा आपका क्रूज। नहीं है स्पीड बोट, सब ठीक ठाक चल रहा था। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। समुंदर के बीचों बीच स्पीड बोट रुक चुका है अभी। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, पर पिछले 2-3 मिनट से ये रुका हुआ है। इंजन खराब हो जाएगा। जितने भी मेरे पुराने रॉकस्टार्स आप लोग को पता रहेगा कि मुझे तैरना नहीं आता, तो ओनली थिंग दैट कैन सेव मी इज दिस। पहली बार थाईलैंड आए और यही होना था क्या? सोचा था यहाँ पे स्पीड बोट का राइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल रोलर कोस्टर राइड हो रहा है यार। दादा को तो खुल लगभग दादा, ओ दादा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का फटा हुआ है। अपने को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मजे में। 4G काम कर रहा है इधर। पार्ट्स, ये जो पार्ट है ये पंखा चला गया था। फाइनली have reached Krabi। इतना भाग दौड़ के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद,
फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और पानी ब्लू तो लग नहीं रहा है, मेरे को ग्रीन लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा साफ है। बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछ रहे थे कि कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट रहेगा फॉर एडवेंचरर्स, फॉर ट्रैवलर्स। मेरे लिए ये जो GoPro Hero 10 है, दिस इज़ द बेस्ट कैमरा दैट यू गाइस कैन गेट राइट नाउ। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू फीफी आइलैंड क्रैबी। बहुत ताम झाम के बाद अभी पहुँच चुके हम लोग क्रैबी, एंड वाई आर वी गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड? Which side are we supposed to go? What's your name, brother? Abdullah. Abdullah ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Got this nice car from Marina Pier. Yeah. Marina Pier is the name of that place, which is in Krabi. And currently we are going to Aonang. Ye basically Aonang basically beach ka naam hai. And usi beach ke bagal mein hai apna hotel. It's 4:44 in the afternoon. Guess what? Krabi में पहुंचने के बाद मेरा जो GoPro था, GoPro का बैटरी खत्म हो गया, जिसकी वजह से I was not really able to vlog. Finally अभी हम लोग यहाँ पे अपने होटल में पहुंच चुके हैं। I won't call it a hotel, cause it is a resort. And I really don't know कि मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ। सबसे पहले तो मैं कोई एक आइलैंड में पहली बार रह रहा हूँ। मैं हमेशा पहाड़ों के साइड पे या फिर बीचेस के साइड में, हमेशा ये सब जगह में रहता हूँ, लेकिन आइलैंड में, एक प्रॉपर आइलैंड के अंदर जिंदगी में पहली बार मैं रह रहा हूँ। एंड दैट टू इंटरनेशनल। का जो व्यू है कुछ ऐसा है, लाइक जंगलों के बीच में भी आपको एक स्विमिंग पूल मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक बार मिल रहा है, जो कि मेरे फिलहाल कोई काम का नहीं है। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर होटल। A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. होटल का नाम है वो है दीवाना। इसका जो मेन लॉबी है, मेन लॉबी यहाँ पे नहीं है, आपको थोड़ा सा उधर पे वॉक करके जाना होगा, एंड देन यू हैव टू चेक इन और चेकआउट के टाइम भी वापी कराना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट का नाम है दीवाना क्रैबी रिजॉर्ट, SHA एक्स्ट्रा प्लस, मतलब SHA सर्टिफाइड। हमेशा आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप थाईलैंड में कोई एक रिजॉर्ट लेते हो या फिर होटल लेते हो, SHA सर्टिफिकेशन अगर रहता है देन बी श्योर कि ये अच्छा होटल रहने वाला है। ये पर्टिकुलर रिजॉर्ट हम लोगों ने दो दिनों के लिए बुक किया है, आज है आपका 5th of September, 5th के लिए बुक किया और 6th के लिए बुक किया। तो 5th night एंड 6th night विल बी स्टेइंग ओवर हियर, और 7th सुबह 12 बजे के अंदर अंदर अपने को चेकआउट करना होगा, एंड वील हैव टू हेड टूवर्ड्स Phuket। ये रिजॉर्ट अपने को भरा 820 INR। प्रॉपर्टी तो आप लोग को अच्छी तरीके से दिखा दी है, अभी दिखाते हैं रूम्स। यहाँ पे इस रिजॉर्ट में आपको कुछ इस तरह के रूम्स मिलते हैं। ये एक अलग रूम है, ये अपना रूम है, बहुत सारे रूम्स आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। आप लोग को रूम का दर्शन कराते हैं, लेट्स ओपन इट अप। ये है अपना सुपर स्वीट सा रूम, सबसे सस्ता रूम अपने को यही मिल रहा था यहाँ पे क्रैबी में। मेक माई ट्रिप से हम लोगों ने बुक किया, तो यही वाला रूम हम लोगों ने ले लिया। दिस इज द रूम, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, बट देन इज वेरी स्वीट एंड सिंपल। यहाँ पे आपको एसी का रिमोट मिल जाएगा, यहाँ पे कार्ड डालने का जगह मिल जाएगा, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव लाइटिंग मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा टीवी मिल जाएगा। अभी तक जितने भी होटल्स में हम लोग गए थाईलैंड में, आपको रेफ्रिजरेटर हर एक में मिलने वाला है। अपना डबल साइज बेड, ये डबल साइज तो नहीं बोलेंगे, ये ट्रिपल साइज बेड है, आराम से 3-4 लोग तो यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। अभी आते हैं वॉशरूम पे, ये है छोटा सा मिरर, यहाँ पे आपका शावर एरिया है, लाइट फिलहाल बंद है। यहाँ पे आपको बाकी दूसरा जो काम है सुसु बॉडी का, ये यहाँ पे आएंगे। सो दिस गोस फॉर द वेरी स्वीट एंड सिंपल रूम टूर। हेलो, सो अभी हम लोग निकले आवनांग बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करने, देखते हैं क्या होता है। एंड ये सामने चल रहा है, मैं उतना तैयार नहीं हुई, रैंडम जो पहनी थी पहले वही पहन के जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ देखने कुछ अगर शॉपिंग के लिए मिलता है कपड़ा, सो लेट्स सी क्या मिलता है मार्केट में, दिखाते हैं आप लोगों को। यह है अपना होटल दीवाना प्लाजा, यहाँ पे आपका लॉबी एंड वहाँ पे है अपना रिजॉर्ट। सत श्री अकाल पाजी,
आए थे हम लोग कुछ खाना खाने के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना था। आपका अपना रेस्टोरेंट का नाम बता दीजिए। जी सर, सर हमने अभी रेस्टोरेंट खोला है नया जी, इसका नाम पहले था अंडेमान, तो कोविड के दौरान वो बंद हो गया था, लेकिन न्यू ओपन किया है। आज हमारा आज ये अपना चौथा दिन ही है, तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है तंदूर डिलाइट। अभी चेंज हो गया है थोड़ा, इसका वीडियो ले लीजिए। तो रेस्टोरेंट का नाम है तंदूर डिलाइट, ये मतलब कि थाईलैंड में सबसे पीसफुल जगह है, तो मैं सबसे ज़्यादा इसी को लाइक करता हूँ। और अपना ये रेस्टोरेंट है और ऑन द बीच रेस्टोरेंट है। मेरा आप सभी से यही सजेशन रहेगा, अगर आप कभी भी क्रैबी आते हो और आपको इंडियन खाना चाहिए, इंडियन डेलिकेसी अगर आपको टेस्ट करना है यहाँ पे क्रैबी में थाईलैंड में, देन डेफिनेटली दिस इज द प्लेस फॉर यू ऑल, तंदूर डिलाइट। खाना यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, बिरयानी लिया था दो प्लेट एंड दोनों दो मिनट के अंदर अंदर खत्म हो गया, मेरा तो हो ही गया। अच्छा लगा, मिलते हैं फिर कभी और, ठीक है बाय। सो हियर इन क्रैबी ये सब आपको मिलेगा, माया बे, मंकी बीच, बैम्बू आइलैंड, फिले लगून, पगबी आइलैंड, चिकन आइलैंड भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, प्रोनांग केव, कोड़ा आइलैंड। क्रैबी के आसपास आपको इतने सारे क्रेजी क्रेजी आइलैंड्स मिलेंगे एंड सभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। यहाँ पे हम लोग पैकेजेस देख रहे थे यहाँ पे घूमने के लिए, एंड दिस इज व्हाट ही सेड, से व्हाट यू सेड, हम लोग कायाकिंग के बारे में बोल रहे थे एंड मैं बोल रहा था कि रात को हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, he said कि क्रोकोडाइल विल ईट मी। दीदी ने क्या बोला, he eat crocodile, crocodile don't eat me, I eat crocodile। जैसे कि आप लोग देख रहे हो उतना शोर शराबा तो इधर नहीं है, बहुत साइलेंट टाइप का जगह है। पटाया, फुकेट, ये सबसे बहुत ही ज्यादा अलग है क्रैबी, एंड क्रैबी क्योंकि एक आइलैंड है तो इसकी वजह से आई गेस कि इतना ज़्यादा शांति है इस जगह में, लाइक बहुत ज़्यादा शांत है यार, बहुत ज़्यादा शांत है। गाड़ी बाइक ये सब भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं रोड पे, एंड लोग भी बहुत ही ज़्यादा शांत है। आई गेस खाली मैं ही हूँ यहाँ पे जो ऐसे चिल्ला चिल्ला के व्लॉग कर रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे 7-Eleven में, खरीदेंगे कुछ सामान। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है वो ये है कि यहाँ पे दीदी को भी वो लोग सर बुलाते हैं, मतलब लड़कियों को भी वो लोग यहाँ पे सर बुलाते हैं, मतलब निकल जाता है मुँह से मैम, अभी तक शायद से सीखा नहीं होगा ठीक से, तो लड़कियों को भी मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मैम के जगह मिस के जगह वो लोग सर बुलाते हैं। लुक व्हाट डिड आई स्पॉट, ओहो GSA 1200, दिस इज द अर्लियर मॉडल। मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता था जब भी ऐसे कोई एक्शन फिगर्स मेरे को देखने को मिलता था, एंड आई लव ब्लैक पैंथर मैन, एंड वेबलेट्स की तो यादें पूछो ही मत, पूरा क्लास 6 से लेके 10-11 तक भी ये वेबलेट का ज़माना गया मेरा। For my son. For himself he's taking it. I am taking it for myself. I don't have no son. Son bola hai re. Kaade noshto korte chhe ekdom shuddho shuddhi shob niya. Kaade dibi tui? Are re amar nijer lagi holo itosi. Sexy. Cheers. Mm.